बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीयर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कंपोनेंट बार चार्ट को देखा, हमने उसमें जो है वो परसेंटेज बार चार्ट को देखा। तो इस लेक्चर में हम मजीद जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं हमारे नेक्स्ट जो चार्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी फिगर को एट्रैक्टिव बनाने के लिए बार की जो थिकनेस है उसको ज्यादा कर देंगे। फिर हम यहाँ पर जो है वो कंसिडरेशन जस्ट ब्रेथ नहीं है हमारे पास, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने जो भी प्रोडक्ट होगी जो भी हमारे पास चीज होगी उसकी लेंथ और ब्रेथ को जो है वो बार्स की शक्ल में, रेक्टेंगल की शक्ल में जो है वो हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर डाटा के अंदर हम कंपोनेंट्स को डिवाइड करेंगे, उनका एरिया डिसाइड करेंगे सबसे पहले, और देन एरिया डिसाइड करने के बाद उन वैल्यूज को जो है वो बार्स की शक्ल में हम शो करेंगे। और इस ये भी जो है वो कंपैरिजन बताता है वैल्यूज का, क्वांटिटीज का आपस के अंदर, दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का। तो इसके लिए हम समझने के लिए इसको जो है वो बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसके जो है वो एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको इसकी बात आसानी समझ आ सके। यहाँ पर डाटा मैंने लिया है, हमारे पास कमोडिटीज जो है वो आइटम्स जो है वो हमारे पास एक्सपेंडिचर्स जो है वो फूड है, क्लोथिंग है, हाउस रेंट है, फ्यूल है, लाइटिंग एंड फ्यूल एंड लाइटिंग है, और इसके बाद हमारे पास मिसलिनियस है। इसी तरह से फैमिली और फैमिली बी का डाटा हमें गिवन है और इनके टोटल्स भी गिवन है डाटा के। तो यहाँ पर हमने सबसे पहला काम क्या करना है, हमने इनकी परसेंटेजेस बनानी है जैसे हमने लास्ट चार्ट के अंदर बनाई थी कि हमने इनका टोटल जो किया है उस टोटल के साथ हमने इस्तेमाल करते हुए ये सारी वैल्यूज को उन टोटल के साथ डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये सारी परसेंटेजेस आ जाएंगी। जैसे 6, 1, 4, 1, 3 इस सारे को 15 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये तमाम परसेंटेजेस आ जाएंगी। देन हम उनकी कम्युलेटिव परसेंटेज बना लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 8, 1, 5, 1, 5 इन सब का भी टोटल जो है वो 20 आ रहा है, इन सबको जो है वो 20 पे डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेजेस आ जाएंगी। देन हम इसकी कम्युलेटिव परसेंटेज बना लेंगे, फर्स्ट 40% एज इट इज, 40 + 5 = 45%, 45 + 25 = 70%, 70 + 5 = 75%, 75 + 25 = 100% हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर भी 100% के बार्स बनाने हैं और उनके अंदर तमाम वैल्यूज को शो करना है। जैसे यहाँ पर दो हमारे पास वेरिएबल्स फैमिली और ए और फैमिली बी हैं, इनकी परसेंटेजेस को जो है वो डिफरेंट आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स के साथ हमने डिवाइडेड शेप में बार के अंदर जो है वो शो करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करने के बाद हम यहाँ पर हमने स्केल डिसाइड कर लिया 100% के अकॉर्डिंगली कि फर्स्ट 10 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 20% कम्प्लीट कर रहे हैं, मतलब एक स्मॉल स्क्वायर जो है वो 2 यूनिट ऑफ परसेंटेज के इक्वल है। इसी तरह से हम यहाँ पर बार की वेट जो है वो वही रख रहे हैं कि 5 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 1 बार की वेट के इक्वल है। तो बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे हमने लास्ट टाइम में काम किया था, सिर्फ इसमें और उसमें फर्क ये है कि वहाँ पे 3 कमोडिटीज थी, यहाँ पे आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो 5 हो गए, और यहाँ पर जो फैमिली ए और फैमिली बी है इसके 2 बार्स हमारे पास यहाँ पर सिर्फ बनेंगे अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर हमने स्केल जो है वो डिसाइड कर लिया कि 10 स्मॉल स्केल या 5 स्मॉल स्केल कोई भी स्केल यहाँ पर डिसाइड कर सकती है, और उसके बाद वही 2 यूनिट जो है वो ऑफ परसेंटेज जो है वो 1 स्मॉल स्केल के इक्वल है। अब यहाँ पर बार बनाएंगे हम, सबसे पहले बार किसका होगा, ये फूड का बार होगा। फूड का बार हम 40% तक हमने इंक्रीज करना है, यानी 20 स्मॉल स्केल तक आएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्लोथिंग है, 7% है, 7% मीन्स 3.5 स्मॉल स्केल, यानी ऑलमोस्ट 4 स्मॉल स्केल तक ही आ जाएगा। उसके बाद हाउस रेंट है, हाउस रेंट का मतलब है 27%, यानी 13.5 या जो है वो 14 स्मॉल स्केल तक आप कह सकते हैं कि ये जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 7% है, यानी ये भी 3.5 का अकॉर्डिंगली आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 20%, तो ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट 10 स्मॉल स्केल के अंदर एडजस्ट हो जाएगा।
इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फैमिली बीज में, हम 40% फूड का है, ये भी ग्राफ सेम उसी हाइट पे आ जाएगा, यानी 20 स्मॉल स्केयर्स, देन 5 है तो ये ऑलमोस्ट 3 स्मॉल स्केयर्स, 25 है तो 12 स्मॉल स्केयर्स ऑलरेडी, ऑलमोस्ट 12 या 13 स्मॉल स्केयर्स, और इसी तरह से जो है हमारे पास नेक्स्ट 5% है तो ये भी बिल्कुल वैसे ही 2.5 या 3 स्मॉल स्केयर्स, और नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास 25% है तो ये भी हमारे पास जो है वो 13 स्मॉल स्केयर्स ऑलमोस्ट जो है वो ये कवर करेगा। तो इस तरह से ये दोनों के 100% के बार्स आ गए जिसमें डिफरेंट कलर्स के साथ जो वैल्यूज हैं उनको हम शो कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले ये ब्राउन ग्रे कलर है, ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर जो है वो शो कर रहा है फूड को। नेक्स्ट उसके बाद वाइट कलर शो कर रहा है यहाँ पर क्लोथिंग को। उसके बाद जो ग्रीनिश कलर है, लाइट ग्रीनिश कलर, ये जो है वो हाउस रेंट को शो कर रहा है। येलो कलर जो है वो हमारे पास फ्यूल एंड लाइटिंग को, और लास्ट में रेड कलर जो है वो हमारे पास मिसलिनियस को शो कर रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कंप्यूटराइज इसकी जो है वो शक्ल ग्राफ की। तो ये आपके पास कंप्यूटराइज चार्ट है इसका आइटम इफेक्ट फर्नीचर्स का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास पाई चार्ट। पाई चार्ट में हम क्या करते हैं, सर्कुलर शेप के अंदर हम शो करते हैं डिफरेंट जो है वो पार्ट्स को डाटा के, और इसमें हम रेक्टेंगल्स का इस्तेमाल नहीं करते। रेक्टेंगल्स की जगह पे हम यहाँ पर सेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर सर्कल के अंदर सेक्टर्स बनाते हैं। सर्कल के अंदर सेक्टर्स का मतलब है सेक्टर वो पार्ट होता है सर्कल के अंदर जिसमें अगर सर्कल की बाउंड्री से दो लाइंस जो है वो, दो रेडियसेस जो है वो सर्कल के सेंटर तक आ जाएं, और वो सारा पार्ट जो ऑक्यूपाई होगा उन दोनों रेडियसेस की वजह से सर्कल की बाउंड्रीज के साथ, सर्कल के सेंटर के साथ, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सेक्टर कहते हैं। तो हमने उस सेक्टर के लिए यहाँ पर एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एंगल ऑफ सेक्टर यहाँ पर इक्वल होगा कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री, और इसी तरह से इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे सर्कुलर शेप में। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम डी का इस्तेमाल करेंगे ताकि एंगल्स को मेजर करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए, एंगल्स को प्लॉट करना आसान हो जाए सर्कल के अंदर, और क्लॉक वाइज हम जो है वो अपनी डी को जो है वो यहाँ पर रोटेट करेंगे। यहाँ पर कैसे करेंगे बेटे, यहाँ पर हम सबसे पहले डाटा में गिवन है, डाटा में गिवन है जी फूड, क्लोथिंग, रेंट, मेडिकल केयर और अदर्स का, वही डाटा जो हमने पिछले इस्तेमाल किया था पहले भी एग्जांपल के अंदर। इसी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसको एंगल ऑफ सेक्टर्स के अंदर। कैसे करेंगे कि हम यहाँ पर जितने भी एक्सपेंडिचर्स गिवन है इनका टोटल करेंगे, टोटल कितना आ गया 240। तो अब ये 95, 32, 50, 23, 40 इन सबको जो है वो 240 पे डिवाइड करेंगे और 360 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो एंगल ऑफ सेक्टर आता जाएगा। 95 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाइड बाय 360, राउंड ऑफ कर लेंगे 143 एंगल आ जाएगा। इसी तरह से 32 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाइड बाय 360 तो ये हमारे पास 48 एंगल आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट 50, 23 और 40 के लिए भी एंगल बना लेंगे। इन तमाम एंगल्स का टोटल करेंगे तो टोटल करने से दोबारा 360 डिग्री एंगल आने चाहिए। 360 डिग्री एंगल क्या होता है कि एक सर्कल जब मुकम्मल होता है तो उस सर्कल का मुकम्मल सर्कुलर पार्ट का जो एंगल होता है वो हमारे पास कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम सर्कल ड्रा करेंगे। सर्कल ड्रा करने के बाद सर्कल के सेंटर से एक लाइन, जैसे यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से हम एक लाइन जो है वो सर्कल की बाउंड्री तक लेके जाएंगे, रेडियस लाइन बनाएंगे। अगर ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो हमें ये रेडियस लाइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसी रेडियस लाइन के ऊपर हम अपनी डी को रखेंगे, यूं रखेंगे कि डी का ये जो यहाँ पे पोर्शन होता है जहाँ पे ये सर्कल बना होता है वहां पे इसका एक मिड बना होता है, यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही होती है इन दोनों लाइंस की, तो उसको हमने इस के साथ मैच करना है। यहाँ पे इसके जीरो लाइन को मैच करना है इसके साथ। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास पहला एंगल कितना आ रहा है, 143%। तो 143% 143 डिग्री पर हम क्या करेंगे, डॉट बना देंगे। 143 पर हमने डॉट बना दिया। अब इस डॉट की डायरेक्शन में ही
सर्कल के सेंटर से जो है वो लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि इस सर्कल को एक सेक्टर में डिवाइड कर देगी। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास 143 डिग्री की लाइन लग गई। इसी तरह से क्लोथिंग के लिए करेंगे, क्लोथिंग के लिए हमारे पास जो एंगल है वो 48 डिग्री है। अब डी को हम नेक्स्ट रोटेट कर लेंगे। डी को रोटेट कैसे करेंगे, डी को रोटेट करके अब हम वही काम करेंगे कि सर्कल के सेंटर को यहाँ से जो है वो डी के सेंटर के साथ मिलाकर देन हम इसको क्या करेंगे, इसके 0 डिग्रीज को जो है वो यहाँ पर जो है वो हम मिलाएंगे। और नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम 48 डिग्रीज के ऊपर जो है वो पॉइंट लगा देंगे। 48 डिग्रीज के ऊपर पॉइंट लगाने के बाद हम सर्कल के सेंटर से लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में 48 डिग्री की डायरेक्शन में जो है वो हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका सेक्टर बन जाएगा क्लोथिंग का। सेम इसी तरह से डेंट के लिए करेंगे कि आप डी को रोटेट कर कर जो है वो क्लोथिंग की लाइन पर ले आएंगे और उसके 0 को मैच करने के बाद अब हम क्या करेंगे, 75 डिग्रीज के ऊपर जो है वो हम क्या करेंगे पॉइंट बनाएंगे और उसी पॉइंट की शक्ल डायरेक्शन में सेंटर से बाउंड्री तक जो है वो लाइन लगा देंगे। तो ये नेक्स्ट हमारे पास सेक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट मेडिकल केयर है। मेडिकल केयर के लिए आप डी को हम रोटेट कर जो है वो रेंट की जो रेंट के सेक्टर लाइन है उसके ऊपर लेंगे, 0 को मैच करेंगे। 0 को मैच करने के बाद अब हम एंगल लगाएंगे। यहाँ पर एंगल कितना लगेगा हमारे पास, 35 डिग्रीज पर यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे और इसी डायरेक्शन में सेंटर से जो है वो लाइन लगा देंगे। लास्ट जो है हमारे पास अदर्स के लिए ऑटोमेटिकली एंगल जो है वो 60 डिग्री बढ़ जाएगा। इसको मेजर करने के लिए हम जो लास्ट सेक्टर लाइन लगाई है हमने मेडिकल केयर की 35 डिग्रीज पर, इसके ऊपर डी रखेंगे और डी रखने के बाद हम जो रिमेनिंग एंगल है उसको मेजर करेंगे। तो रिमेनिंग एंगल हमारे पास 60 डिग्री ही आ रहा है, इसके लिए हमें कोई पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद जी हमारे पास कंप्यूटराइज जो है वो पाई चार्ट है, उसको जरा देख लें। तो ये कंप्यूटराइज पाई चार्ट जो है वो हर एक डिफरेंट कलर के साथ हम इसको यहाँ पर शो कर रहे हैं। आप भी जब अपना चार्ट आपके सारे सेक्टर्स मुकम्मल हो जाएंगे तो हर सेक्टर को डिफरेंट कलर कर दें या डिफरेंट डिजाइन के साथ जो है वो प्रोमिनेंट कर दें, जिससे पता चल जाए कि कौन सा पार्ट कौन सी चीज को जो है वो शो कर रहा है। और इस तरह से आप उसके अंदर आइटम्स भी लिख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर मैंने लिखी है, और इससे आप अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट, जजाकल्ला। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग जो है वो जो ग्राफ्स हमारे रह गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद करता हूँ आप अपने जो है वो इन सारे चार्ट्स की जो है वो प्रैक्टिस अपनी बुक में से क्वेश्चंस के साथ कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला।